गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम तक हम पांच केस स्टडीज कर चुके थे, आज हम सिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिक्स का जो टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा सिमिलर ट्रायंगल्स दिए होंगे और उनके हमें क्या करनी है, साइड्स की रेशियो के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, इसमें हमें गिवन क्या है, अ ट्रायंगल पी क्यू आर विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज शोन। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और इसकी साइड जो है वो 3, 4, 5 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा ट्रायंगल हमें ए दे रखा है, तीसरा ट्रायंगल हमें बी दे रखा है और फोर्थ ट्रायंगल हमें सी दे रखा है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने नाम बिल्कुल अलग तरीके से दिया है। यहाँ तो उन्होंने वर्टिसेस के अकॉर्डिंग दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर इन्होंने ट्रायंगल का नाम ए लिया है, यहाँ पे वर्टिसेस के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग उन्होंने नहीं की है। इसका नाम बी, यहाँ पर भी वर्टिसेस के अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं हुई है और इसका नाम सी और यहाँ पर भी वर्टिसेस के अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं हुई है। अच्छा, अब वो कहते हैं ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी आर ऑल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तीनों ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, पहले पार्ट में पूछा है विच रेशो कैन बी यूज टू डिटरमाइन द बेस ऑफ ट्रायंगल बी। देखिए, इसमें उन्होंने कहा हमें ये ट्रायंगल दे रखा है बी, इसका हमें ये बेस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम कौन सी रेशो यूज करेंगे। क्लियर है? और ऑप्शन है 5:3, 3:4, 4:5 और 5:5। तो अब देखिए, इसमें आपको दिया क्या है, इन्होंने ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो आपको सिमिलर दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल बी के। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ बच्चों, कुछ भी सही है। मान लीजिए मैंने इसका नाम ले लिया एक्स वाई जेड, तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के क्या है, सिमिलर है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पी क्यू, पी क्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया और इसका बेस क्या हो गया, आर क्यू और इसका बेस क्या हो गया, वाई जेड, जो उन्होंने पूछा है फाइंड आउट करने को बोला है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने पी क्यू कितना दे रखा है, 4 और एक्स वाई हमें दे रखा है 5। क्लियर है? और आर क्यू कितना दे रखा है, 3 और जेड वाई जो है हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब इसको आप इधर ले आइए तो 3/4 किसके बराबर आएगा, 5/ZY के। तो यहां पर आपको जो रेशो है वो कितनी दे रखी है, 3:4 दे रखी है। रेशो क्या दे रखी है, 3:4। क्लियर है? अच्छा, हमने 4:5 आंसर क्यों नहीं लिखा, 4:5 भी तो सही है। उन्होंने कहा आपको इसका बेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी रेशो जो है वो यूज करोगे। क्लियर है? तो उसमें हम देखिए, हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है और ये वाली साइड गिवन है, तो आप परपेंडिकुलर और बेस की रेशो देख लोगे क्या होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की रेशो क्या दे रखी है आपको, सही है? पहले मैं बेस ले रहा हूँ फिर परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, वो क्या आ रही है, 3:4। तो इसलिए हम आंसर क्या लिख कर आएंगे, 3:4 लिख कर आएंगे। क्लियर है? यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की रेशो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बेस दे रखा है 3 और परपेंडिकुलर दे रखा है 4। तो जो इस बेस और परपेंडिकुलर की रेशो होगी वही इस बेस और परपेंडिकुलर की रेशो होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 3:4। क्लियर है? होप आपको ये समझ आ गया होगा हमने आंसर में 4/5 क्यों नहीं लिखा, 3:4 क्यों लिखा है। क्लियर है? आपको ये देखना होता है यहाँ पे जोन सी साइड पूछी है अपॉन जोन सी साइड गिवन है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप साइड ढूंढ लोगे, सही? बेस के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है और जो परपेंडिकुलर गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो हम रेशो क्या लिखेंगे, 3/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच रेशियो कैन बी यूज टू डिटरमाइन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल बी। अब आपको जो है बी का हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है, हमें बी का जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो अब देखिए बी का आपको हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है, सही है। तो यहां पर क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशियो देख लेंगे क्या है। तो यहां पर क्या रेशियो आ रही है बच्चों, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशियो 5/4। क्या आ रहा है बच्चों आंसर, 5/4। अब थर्ड देखिए, विच रेशियो कैन बी यूज टू डिटरमाइन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ए। अब आपको बताना है कौन सी रेशियो आप यूज करोगे व्हाइल हमें जो है ए का हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना हो। तो देखिए ए का हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, तो इसे मैं वाई मान लेता हूँ, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, बेस आपको गिवन है, तो इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशियो देख लेंगे क्या है। तो 5/3 रेशियो हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम एनसीईआरटी में लिखते हैं और यहाँ यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है द अननोन लेंथ ऑफ ट्रायंगल ए आर। अब आपको क्या करना है, जो अननोन लेंथ है किसकी, ट्रायंगल ए की, वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वो हमें क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है अननोन लेंथ ऑफ ए। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, सही, तो मैं इसे ले लेता हूँ जेड और इसे ले लेता हूँ यू, क्लियर है। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस, क्लियर, शॉर्ट में कर सकते हैं। अब देखिए इस और इस रेशो को ले लीजिए आप, 5/z = 3/1.5, तो ये कट जाएगा 2 से, तो z कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो z कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4/u किसके बराबर रखा है, 3/1.5, क्लियर है बच्चों। तो इसे कट जाएगा 2 times, तो u कितना आ जाएगा, 4/2, डेट मीन्स 2। तो इसकी जो साइड्स होंगी, ये तो 2.5 सेंटीमीटर होगा और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये अननोन साइड्स हैं बच्चों किसकी, ट्रायंगल ए की। तो बच्चों इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। अच्छा अब देखिए इन्होंने कहा है द अननोन लेंथ ऑफ ट्रायंगल सी। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल सी की अननोन लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सी की एक तो ये अननोन लेंथ है जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे ई ले लेते हैं, और ये बेस एफ, हमें ई और एफ जो है फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल जो है इसके सिमिलर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो यहाँ आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस, क्लियर है बच्चों। तो आप पहले इसे ले लीजिए एक साथ, तो 5e किसके बराबर आएगा, 32 के, तो e आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसको और इसको ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड को, 5/8 = 3/f, तो 5f = 24, तो f आ जाएगा 4.8। तो ये बच्चों आंसर हमारे आएंगे, तो एक लेंथ हो गई 6.4 और दूसरी हो गई 4.8 सेंटीमीटर, क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 7 पर। तो इसके सबसे पहले बच्चों टॉपिक का नाम देख लीजिए क्या है। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर जो है हमें लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है बच्चों? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी हायर पावर क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है अ कैब कंपनी चार्जेस ₹200 बोर्डिंग रेट इन एडिशन टू दिस, दे आल्सो चार्जेस ₹10 फॉर ट्रेवलिंग एवरी किलोमीटर। अब देखिए कंपनी है, कैब की कंपनी है, वो ₹200 तो फिक्स ले रही है, सही है? ₹200 जो है वो एडिशनल चार्ज कर रही है और उसके अलावा वो चार्ज लेती है ₹100 पर किलोमीटर का, सही है? तो ये फालतू का एक तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज है। अच्छा, किस चीज़ के नाम पर ले रही है वो? बोर्डिंग के नाम पर वो इस चार्ज को कलेक्ट कर रही है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, तो स्कूल में जब वो एडमिशन लेता है तो एडमिशन चार्जेस अलग होते हैं और जो स्कूल की मंथली फीस जाती है वो क्या होती है? अलग होती है, क्लियर है? उसी तरीके से लगा लीजिए, यहाँ पर एक कैब कंपनी है, उसमें अ कैब कंपनी चार्जेस ₹200 बोर्डिंग रेट, इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो चार्जेस ₹10 फॉर एवरी किलोमीटर। जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे उसका खर्चा कितना देना है आपको? ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। इसके अलावा आपको जो है ₹200 भी अलग से पे कम करने हैं। अब देखिए, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, व्हाट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ दिस कंपनी। अब आपको बताना है कौन सी लीनियर इक्वेशन जो है इसका रेट जो है मेंशन करती है, क्लियर है? यहाँ पे एक्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल है और वाई जो है वो टोटल चार्जेस पेड है, और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है बताना है कौन सा सही होगा, क्लियर है बच्चों? अब देखिए सबसे पहले देखिए टोटल चार्ज पेड जो है वो है ₹Y, सही? अब वो ₹200 तो दे रहा है, ₹200 तो एडिशनल दे रहा है, बाकी वो 1 किलोमीटर अगर ट्रेवल करता है तो उसके ₹10 देता है, 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसके ₹20 देता है, क्यों? ट्रेवलिंग चार्जेस क्या है? वो ₹10 पर किलोमीटर है। अब वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? एक्स किलोमीटर, तो वो कितना देगा? ₹10 अलग से देगा। ये बोर्डिंग चार्जेज हो गए जो उसने फिक्स चार्ज रखे हुए हैं, और ये जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसका अलग से पैसा देना है, तो ये कुल मिलाकर उसको पैसा देना है, क्लियर है? तो ये कौन सी इक्वेशन आ रही है बच्चों? थर्ड आ रही है, वाई इज इक्वल टू 10x + 200। तो y किसके बराबर आएगा? 10x + 200, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा व्हाट आर द चार्जेस इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर इन अ डे। अब आपको ये बताना है कि अगर एक आदमी 12 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कैब के अंदर, तो वो कितना पैसा देगा? तो देखिए टोटल अमाउंट टू बी पेड जो है वो ₹Y हम मान रहे हैं, और इसकी इक्वेशन क्या बनी थी बच्चों? 10x + 200। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 12 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम x की जगह 10 रख देंगे, सॉरी x की जगह क्या रख देंगे? 12, क्लियर है? तो y कितना आ जाएगा? 120 + 200, तो y कितना आ जाएगा? ₹320। तो y कितना आ जाएगा? ₹320। क्लियर है? देखिए ₹200 जो है ना ये फिक्स चार्ज है, वो बोर्डिंग के नाम से ले रहे हैं, चाहे उसमें उसको आपको लॉजिक दिखे चाहे ना दिखे, वो उनका फिक्स चार्ज है, वो तो उन्होंने लेना ही है। हाँ, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसका पैसा आपको ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। अब आपको ये बतानी है जो गिवन कंडीशन आपको दी हुई है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनमें से कौन सी है। क्लियर है? तो अब देखिए, ये आप बच्चों ग्राफ बनाकर देख लीजिएगा, टेबल बनाइएगा, ग्राफ ड्रॉ करिएगा और चेक कर लीजिएगा वो किससे मैच कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपको बच्चों करना पड़ेगा। अच्छा, जो वैल्यूज इन्होंने दे रखी है ना वही आपको पुट करनी है। मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपकी क्या आई थी, y इज इक्वल टू 10x प्लस 200। क्लियर है? अब हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, एक तो 0 दे रखी है, एक 10, एक 20 और एक 30। तो x को 0 ले लो तो y आ गया 200, x को ले लो 10 तो y आ गया 300, x को ले लो 20 तो y आ गया 400, x को ले लो 30 तो y आ गया 500। क्लियर है? तो देखो 0 पे 200 सही है पॉइंट, 10 पर 300, हाँ लगभग मिड में सही ही लग रहा है, 20 पे 400 एग्जैक्ट सही है और 30 पे 500 लगभग मिड में है सही है। क्लियर है? तो ये पहला ग्राफ जो है वो सही है। सही? क्लियर है बच्चों? फिर भी आप क्या करना, एक बार टेबल बनाकर जरूर चेक कर लेना। अच्छा, टेबल में आप वही पॉइंट्स लेना जो ग्राफ में आपको मेंशन हो, तो उससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे। अब देखिए इसका डी पार्ट क्या कहता है। इसमें उन्होंने कहा है फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 10x प्लस 200 विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब इस लाइन को, इस लाइन के एडजेसेंट हमें एक और लाइन लेनी है और वो इस तरीके से लेनी है ताकि ये दोनों लाइंस, एक ये लाइन और एक दूसरी लाइन, कौन सी, इन चारों में से, ताकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 10x प्लस 200, तो सबको उधर ले जाइए आप, तो ये आएगा 10x माइनस y। क्लियर है? 10x माइनस वाई प्लस 200 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई हमारी पहली। और दूसरी आपको इनमें से कोई इक्वेशन चुननी है, इस तरीके से चुननी है ताकि दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, जब उनको ग्राफ पर आप ड्रॉ करो तो वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट के केस में a1 अपॉन a2 किसके बराबर था, b1 अपॉन b2 के। तो सबसे पहले हम ये लाइन लेते हैं, x प्लस 10y प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1 होता है पहली जो इक्वेशन होती है उसका x का कोफिशिएंट, b1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 होता है कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन में, a2 होता है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c2 होता है दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो गया 10 अपॉन 1। क्लियर है? और यहाँ पर b1 अपॉन b2 कितना हो गया -1 अपॉन 10। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही, पहले से ही जब आंसर आ गया तो बाकी की चेक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो बच्चों पहली इक्वेशन होती है इन दोनों में से उसको तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरी इक्वेशन होती है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इससे हम a1 a2 और b1 b2 की रेशियो निकाल लेते हैं। अगर वो दोनों रेशियो अनइक्वल आ रही है तो लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है ई में कहा है इन्होंने आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 10x प्लस 20। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी दूसरी इक्वेशन ले ताकि दो जो इक्वेशंस हम लें वो लाइंस को जब ग्राफ पर ड्रॉ करें तो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो देखिए पैरेलल लाइंस के केस में a1 अपॉन a2
बराबर होता है बी वन अपॉन बी टू के, मगर ये दोनों नहीं होते हैं बराबर किसके, सी वन अपॉन सी टू के। क्लियर है? तो पहली इक्वेशन यहाँ पर हमें दे रखी है इन्होंने, टेन एक्स माइनस वाई प्लस टू हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो। सही, ये पहली इक्वेशन लेते हैं और इसे दूसरी। तो ए वन अपॉन ए टू कितना आएगा बच्चों, टेन अपॉन वन। बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा बच्चों, माइनस वन अपॉन माइनस टेन। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। अब मैं इसको और इसको लेता हूँ, सही है? तो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू कितना आएगा, टेन अपॉन माइनस वन माइनस टेन। बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा, माइनस वन अपॉन टेन। तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट इसको और इसको लो। तो ए वन अपॉन ए टू कितना आएगा, टेन अपॉन टेन, वन आ गया। बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये भी वन आ रहा है। फिर हम निकालेंगे सी वन अपॉन सी टू, वो आएगा टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड। तो यहाँ पे तो तीनों रेशियोज बच्चों सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी जो है पैरल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बच्चों मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कंडीशन तो आपको पता है, यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू बराबर होनी चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, और वो नहीं होना चाहिए बराबर किसके, सी वन अपॉन सी टू के। बच्चों इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं है, सही, जो कि इसके साथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जो एक के ऊपर एक होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस जो होती हैं, सही। तो अब देखिए ओवरलैपिंग लाइंस के लिए क्या होता है, ओवरलैपिंग लाइंस के लिए ए वन अपॉन ए टू बराबर होता है बी वन अपॉन बी टू के, और वो बराबर होता है सी वन अपॉन सी टू के, मतलब तीनों रेशियोज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो अब देखिए उसके लिए पहली इक्वेशन हमें दे रखी है टेन एक्स माइनस वाई प्लस टू हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इसके साथ लीजिए आप, सही बच्चों? तो ए वन अपॉन ए टू कितना आएगा, टेन अपॉन टेन, वन। बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस वन, वन। और सी वन अपॉन सी टू कितना आएगा, टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड, वन। तो पहली और तीसरी जो लाइन है, पहली मतलब ये वाली लाइन, गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन जो है थर्ड लाइन के साथ कोइंसिडेंट लाइन जो है वो फॉर्म करेगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। ये है स्पिनिंग एरो, इसका नाम है बच्चों स्पिनिंग एरो। देखिए इसमें मैंने कहा है अ गेम ऑफ चांसेस, चांस, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हम इस एरो को स्पिन करेंगे तो वो इनमें से किसी भी सेक्टर में जाकर रुक सकता है। जिस सेक्टर में जाकर रुकेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर काउंट करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आपको दिए हुए हैं। अच्छा अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो ये पॉइंटर है, ये जो एरो है, ये किसी भी नंबर पर किसी भी सेक्टर पर जा सकता है। क्लियर है? अब पहले क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पर पॉइंट करे। क्लियर है? तो अब देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है वो ये जो एरो है ये 8 पर जाकर रुके। सही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या फॉलो होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे सिर्फ एक है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8। अच्छा आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल पॉइंट एट ऑड नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर पर जाकर पॉइंट करे। सही, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4, और टोटल कितने हैं, 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/2। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 8। देखिए ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, आप इस एरो को स्पिन करो। सही, तो ये जो एरो है या तो नंबर 1 पर जाके रुकेगा या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 या नंबर 6 या नंबर 7 या नंबर 8, तो 8 से बड़ा नंबर कोई तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नंबर जो है वो 8 से बड़े नंबर पर जाकर रुके। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन हमें दे रखी है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमने एरो को स्पिन किया, क्या प्रोबेबिलिटी है जो एरो है वो 9 से छोटे नंबर पर आकर रुके। क्लियर है? तो देखिए इसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 9 से छोटे हैं, तो ये जो इवेंट आपको दे रखी है ये श्योर इवेंट है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट क्या होती है, 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, वो होती है 0। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 0, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एरो है वो 0 पर पॉइंट करे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो 0 नहीं है, तो ये जो इवेंट है ये भी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट 1 होती है, और इन दोनों के अलावा जो भी इवेंट होती है उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, यह है क्लासरूम से रिलेटेड। यहां पर इन्होंने कहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, यहां पर 4 दोस्त हैं वो पॉइंट ए बी सी और डी पर बैठे हुए जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। सही, वृतिका श्रुति वॉक इन टू द क्लास रूम। अब वृतिका और श्रुति जो है रूम के अंदर आते हैं। सही, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, अब वो कुछ देर तक क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वृतिका आस्क श्रुति डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब वृतिका ये कहती है, श्रुति से पूछती है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है। श्रुति जो है वो डिसएग्री करती है। सही, पहले आप फिगर देख लीजिए,
अब एक बच्चा है वो ये कहता है कि ये जो फिगर बन रही है यहाँ पर, अगर आप ए बी सी डी को ज्वाइन करते हो तो वो क्या होगी? स्क्वायर होगी। क्लियर है? वृत्ति का तो कहती है स्क्वायर होगी, मगर श्रुति डिसएग्री करती है। क्लियर है? अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। सबसे पहले डिटरमाइन द डिस्टेंस ए बी इन यूनिट्स। आपको क्या करना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो देखिए मैं ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ए और बी पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे। तो देखिए ये जो ए पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। अब देखिए बी, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7। अब हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 9 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट। क्या आ जाएगा? 3√2 यूनिट। तो यहाँ पर ए बी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3√2 यूनिट होगा। तो इसका थर्ड पार्ट बच्चों जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डिटरमाइन द डिस्टेंस बी डी इन यूनिट्स। अब आपको क्या करना है, बी डी डिस्टेंस जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है 6 और 7 है, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 और 1। क्लियर है? तो अब आप निकाल लीजिए, वैसे तो पता ही लग रहा है 6 यूनिट डिस्टेंस है इनके बीच में, तो हम तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही लगाते हैं। क्या होगा सही है, वो होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 0, ये आ गया 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 6 यूनिट। तो बी डी जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 यूनिट है। नेक्स्ट डिस्टेंस ए बी किसके बराबर होगा। क्लियर है? आपको बताना है डिस्टेंस ए बी जो है वो किसके बराबर होगा। वो ए सी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, या 6 यूनिट के बराबर होगा। तो ए बी देख लीजिए आप, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बच्चों, 3,4, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं आपको 6,7। सही? और सी के दे रखे हैं 9,4 और डी के दे रखे हैं 6,1। अब देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, वो होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर 9, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर 9, तो ये आ गया √18। सही? अब हम बी सी निकालते हैं, वो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर 9, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर 9, तो ये भी √18 यूनिट आ गया। अब हम निकालते हैं डी सी, डी सी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर 9, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर 9, तो ये भी √18 आ रहा है बच्चों। सही? फिर हम निकालते हैं ए डी, तो वह आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर 9, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर 9, तो √18। तो सारे जो डिस्टेंस हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, सही, सारे के सारे क्या हैं, √18 यूनिट है। अब हम निकालते हैं बच्चों ए सी, ए सी कैसे निकालोगे, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर डेट मीन्स 36 और ये 0, तो ये आ गया 6। क्लियर है? अब हम निकालते हैं बी डी, बी डी 0 प्लस 36, तो ये आ गया 6 यूनिट। क्लियर है? अब देखिए ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगनल्स जो हैं वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। अब अगर मान लीजिए इसकी चारों साइड्स इक्वल होती और डायगनल्स की लेंथ इक्वल ना होती तो ये क्या कहलाता, उस केस में ये रोम्बस कहलाता। अब अगर मान लीजिए दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के ये इक्वल होते और लेंथ ऑफ डायगनल्स भी इक्वल होती, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल होते, चारों साइड्स अगर इक्वल ना हो, फिर हम देखते हैं दोनों साइड्स जो है
दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड के, क्या वो इक्वल है, और लेंथ ऑफ डायगनल्स अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होता, सही। अब अगर मान लो दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के वो इक्वल है, लेंथ ऑफ डायगनल्स क्या है, अनइक्वल है, तो उस केस में बच्चों वो क्या होगा, उस केस में वो सिंपल पैरेललोग्राम होगा। तो अब देखो बच्चों ये डायमेंशंस आप याद कर लेना, देख लेना, सॉरी लिख लेना, और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी किसके बराबर होगा और ए सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये आप देख लीजिएगा। अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी बच्चों स्क्वायर है, क्लियर है। नेक्स्ट ए बी सी डी इज अ काइट, सही, काइट के केस में ना रोम्बस होता है, ये ध्यान रखना आप। और ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों ये नहीं है, तो यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास केस स्टडी है वो है एरियल फोटोग्राफी। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है सिमिलर ट्रायंगल्स कैन बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स इन रियल लाइफ। देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स को जो है हम डेली लाइफ में काफी सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन एरियल फोटोग्राफी टू सी द डिस्टेंस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। इसका यूज कहाँ करते हैं, हम एरियल फोटोग्राफी में करते हैं, जहां पर हमें जो है डिस्टेंस निकालना होता है किसका, स्काई का, कहाँ से, ग्राउंड से। एरियल फोटोग्राफी इज द टेकिंग ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और अदर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। एरियल फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, किसी एरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे, मान लीजिए एयरक्राफ्ट के ऊपर है, किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उससे हम क्या करते हैं फोटो खींचते हैं। लो लेवल एरियल फोटोज कैन बी टेकन यूजिंग रिमोट कंट्रोल कैमरा सस्पेंडेड फ्रॉम अ ब्लिंप। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको लो लेवल एरियल फोटोग्राफ्स खींचनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल कैमरे को यूज कर सकते हैं, जिसको कि हम सस्पेंड कर देते हैं किसके साथ, ब्लिंप के साथ। अब देखिए यहां पे उन्होंने कहा है इन फिगर अ रिमोट कंट्रोल कैमरा पी इज यूज टू टेक अ फोटोग्राफ डेट कवर्स अ डिस्टेंस ए बी विच इज प्रोपोर्शनल टू द बेस क्यू आर। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा इन फिगर, यहाँ पर ये जो P है ये कैमरा है जिसको हम यूज कर रहे हैं, सही है, और ये कैमरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर कवर कर रहा है, A से लेके B तक का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। ये जो ए बी डिस्टेंस है ये क्यू आर के क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। नेक्स्ट डेट मीन्स QR upon AB वो किसके बराबर होगा, स्मॉल h अपॉन कैपिटल h के बराबर होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको P जो है कैमरा दे रखा है, सही, रिमोट कंट्रोल कैमरा है, इसको A से लेके B तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और ये जो AB डिस्टेंस है ये QR के क्या है, प्रोपोर्शनल है, सही। और रिलेशन क्या दे रखा है आपको, QR अपॉन AB जो है वो स्मॉल h मतलब ये डिस्टेंस अपॉन कैपिटल h मतलब इस डिस्टेंस के बराबर वो है। अब देखिए अब हम सिमिलैरिटी का यूज कर कर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहला, इफ h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड कैपिटल h। तो देखिए यहां पर आपको h दे रखा है 3, तो हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट कर कर आंसर निकाल लेंगे, सही है। तो क्यू आर हमें दे रखा है 8, ए बी दे रखा है 50, स्मॉल h दे रखा है 3, कैपिटल h जो है हमें फाइंड आउट करना है, सही। तो कैपिटल h कितना आएगा बच्चों, 150 अपॉन 8, तो ये कितना आएगा, 18.75 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, आपको बताना यहां पर जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये किसके सिमिलर होगा। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर
ये किसके सिमिलर होगा बच्चों? ये लाइन देखिए इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर क्लियर है? तो अब इस केस में एंगल पी जो है वो एंगल पी के बराबर है और क्यू बी के बराबर है और आर ए के बराबर है, तो वो ट्रायंगल पी बी ए के क्या होगा? सिमिलर होगा। यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा पी बी ए के। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा है राइट द स्केल फैक्टर ऑफ पी ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी बी ए। यहां पर हमें जो है स्केल फैक्टर जो है फाइंड आउट करना है, सही, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। आपको कितना दे रखा है? 1/110 गिवन है, सही। देखो स्केल फैक्टर की ना आपको पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी क्या होती है स्केल फैक्टर की। बच्चों पहले आपको ना डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, ये कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। क्लियर है? तो वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशो, तो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच ये कितना है आपको? 1/110 दे रखा, तो यही बच्चों इसका स्केल फैक्टर होगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आपको पी बी ए का जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अच्छा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो पेरीमीटर की रेशियो होती है वो उनकी साइड्स की रेशियो के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो साइड्स की रेशियो आपको दे रखी है 1/110, तो इससे हम क्या करेंगे पेरीमीटर की रेशो निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी बी ए वो किसके बराबर होगा? स्केल फैक्टर के बराबर होगा। पी क्यू आर बच्चों छोटा था ना, अब देखिए किसका पेरीमीटर दे रखा है आपको? पी क्यू आर का 20 दे रखा है, तो इसे आप सॉल्व करके पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है। क्लियर है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो पेरीमीटर की रेशो होती है वो साइड्स की रेशो के बराबर ही होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एरिया में ऐसा नहीं होता है, एरिया जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशो के बराबर होता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज ट्रू है। क्लियर है? इनमें से कौन सी रिलेशन जो है वो ट्रू है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर जो है, ट्रायंगल पी क्यू आर जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी बी ए के। अब इससे हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, क्या बनेगा ये देखिए, इसमें उन्होंने कहा है ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी बी ए के। क्लियर है? तो अब आप रेशो ले लीजिए। रेशो कैसे लेते हो? पहले दो लेटर से जो साइड बनती है अपॉन पहले दो लेटर से जो साइड बनती है, लास्ट दो लेटर से साइड जो बनती है अपॉन लास्ट दो लेटर से जो साइड बनती है, पहले और तीसरे लेटर से जो साइड बनती है अपॉन पहले और तीसरे लेटर से जो साइड बनती है। क्लियर है? तो आ गया पी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू, नहीं ये तो नहीं है बच्चों, दूसरा पी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी ए, ये सही है बच्चों। नेक्स्ट पी क्यू अपॉन, नहीं ये भी गलत है, और पी क्यू इंटू पी आर, नहीं ये भी गलत है।
क्लियर है। तो सेकंड पार्ट जो है यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट केस स्टडी जो है ये है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के रिलेटेड। इसमें ने कहा है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। इसमें ने कहा है अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसके जीरो जो है हम ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। देखिए इन्होंने कहा आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इस तरीके का, सही, ये एक्स एक्सिस दे रखा है। तो ये एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पर काटेगा उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके जीरोज होते हैं। ये मैं आपको जनरली वैसे ही बता रहा हूँ, सही। अब इन्होंने क्या कहा है इस पॉलिनोमियल के जितने जीरोज होंगे, सही, उतनी जगह ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटेगा। अब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट्स पर काटता है, तो इसके मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। हेयर इज अ पॉलिनोमियल ग्राफ हैज 3 टर्न्स, दिस शोज डैट इट हैज 3 रियल सॉल्यूशन, 2 ऑफ विच पासिस थ्रू एक्स एक्सिस एंड 1 टचेस एक्स एक्सिस। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, देखिए ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब इसे उन्होंने कहा है हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफ बनाया, तो वो दो जगह तो एक्स एक्सिस को काट रहा है और एक जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब इट हैज 3 जीरोस, सही। कुछ मैं अलग से बता देता हूँ, अगर वो कहें वो 3 जीरोस हैं क्या, तो देखिए पहला वो यहाँ काट रहा है इस पॉइंट पर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो इसका पहला जीरो हो गया -4, दूसरा -1 और तीसरा 3, तो इसके 3 जीरोज हैं, एक -4, एक -1 और एक 3, क्लियर है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्लियर है। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज गिन के बताने हैं तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे और ये चेक करोगे वो गिवन ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटता है, जितने एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पर वो काटेगा उतने उसके जीरोज होंगे। टच करना और इंटरसेक्ट करना एक ही बात है जीरोज के केस में। सेकंड, फ्रॉम द ग्राफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर। अब आपको बताना है इसके जीरोज कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो -4, 0, -1, 0 और एक 3, 0, क्लियर, देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, क्लियर है। इन्होंने पॉलिनोमियल फंक्शन बोला है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर है। अगर वो कहते हैं जी एग्जैक्ट बताइए कौन कौन से जीरोज होंगे, तो एक -4 होगा, एक -1 और एक होगा 3, सही। उन्होंने पूछा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वो हम क्या करते हैं हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, फोर्थ पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल आर, सही, इसके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं ये इन्होंने पूछा है, 3 बच्चों, 3 जगह काटा है ना तो उतने ही मैक्सिमम इसके जीरोज हो सकते हैं, सही। नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो विच ग्राफ शोज पी ऑफ एक्स हैज नो जीरो। आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से ग्राफ का कोई भी जीरो नहीं है। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब इट हैज 1 0। अच्छा दूसरे का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इट हैज 0, इसका कोई भी जीरो नहीं है, तो सेकंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड देखिए ये एक जगह टच कर रहा है तो इट हैज 1 0, ये भी बच्चों एक जगह टच कर रहा है तो इट हैज 1 0, तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। अब हम चलते हैं ई पार्ट पर, इसमें मैंने कहा है द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन हाउ मैनी जीरोज आर देयर ऑफ पी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको बताना है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमें दे रखा है
तो इसके कितने जीरोज होंगे, देखिए ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब आप देखिए एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इट हैज नो जीरो, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा।